हेलो देयर, टुडे वी आर गोइंग टू रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स फ्रॉम ईयर 1995 टू 2016। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर वन, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस फॉर सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट इन इंडिया। एंड वी हैव द फोर बॉडीज गिवन। द फर्स्ट वन इज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, द गवर्नर कॉन्फ्रेंस, जोनल काउंसिल्स एंड इंटर स्टेट काउंसिल। सो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, दैट 1, 2, 3, दैट इज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, द गवर्नर कॉन्फ्रेंस एंड जोनल काउंसिल आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एंड वेयर एज इंटर स्टेट काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द आर्टिकल 263। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैटर ऑन विच ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबली ओनली विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो इनमें से कौन कौन से मैटर हैं? दैट इज मैटर रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट लिस्ट इन द सेवेंथ शेड्यूल एंड द एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेचर काउंसिल इन ए स्टेट। सो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। एंड इन क्वेश्चन नंबर थर्ड वी हैव द काउंसिल टेबल इज गिवन, इन विच इन फर्स्ट कॉलम वी हैव द काउंसिल ऑफ स्टेट, इन सेकेंड कॉलम वी हैव द हाउस ऑफ द पीपल, एंड वी हैव गिवन नॉट मोर देन इन कॉलम नॉट मोर देन 250, एंड इन हाउस नॉट मोर देन 552 पीपल्स, नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट एंड द यूनियन, एंड इन हाउस ऑफ पीपल नॉट मोर देन 530 रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट प्लस नॉट मोर देन 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन प्लस एक्स। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फिट इन द प्लेस मार्क्ड बाय एक्स। तो एक्स की जगह क्या आएगा? सो इट इज नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो ये एक्स में होगा। तो वी ऑल नो दैट, क्या जानते हैं हम कि जो हाउस ऑफ पीपल है, जो लोअर हाउस है, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 हो सकती है, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन पीपल की 553 हो सकती है, और 20 अप टू 20 मेंबर रिप्रेजेंटेड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी प्लस नॉट मोर देन 2 एंग्लो इंडियंस आर नॉमिनेटेड। सो हेयर एक्स इज द नॉट मोर देन 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ 20 रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, दैट इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। दे हैव राइट टू वोट इन बोथ इन लोकसभा एज वेल इन राज्यसभा। क्वेश्चन फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव ए लेजिस्लेचर काउंसिल इवन दो द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1956 प्रोवाइडेड फॉर इट, दैट इज द मध्य प्रदेश। देर आर ओनली फाइव स्टेट विद हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर, एंड दीज स्टेट आर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड जम्मू कश्मीर। तो इन इन बाकी ऑप्शंस में जितने भी दिए गए हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, इनके पास लेजिस्लेचर है ही, सिर्फ डी के पास नहीं है। कहा है ना नॉट, देखो छोटा सा नॉट वाला। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स, आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ए गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस फ्रॉम दिस, क्या कंक्लूजन डिड्यूस होता है? तो इनमें से कुछ भी नहीं है कि नो गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस टिल कंप्लीटेशन ऑफ हिज टर्म। बिल्कुल हटाया जा सकता है जब तक कि वो एंजॉय कर रहा है पार्डन्स ऑफ प्रेजिडेंट, एंड नो गवर्नर कैन कंटिन्यू हिज ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर्स, ऐसा भी नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 156 द गवर्नर शैल हेल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट, एंड द गवर्नर मे बी
or by writing under his headlet, may resign addresses to his president and resign from his office, subject to the foregoing provision of article. A governor shall can hold his office for more than 5 years on which he enter upon his office, provided that governor shall notwithstand the expiration of his term and continue to hold office until his successor enter upon his office. जब तक कि उसका सक्सेसर नहीं आएगा जब तक he can hold the office. So statement 2 is also the wrong. Now moving to the 7th question, which one is not explicitly stated in the constitution of India but followed as a convention. Convention के रूप में follow किया जाता है. The prime minister has to resign if he lose the majority in the lower house. कि प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा इफ़ ही लूज द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस. ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है बट वी आर फॉलो एज ए कन्वेंशन. ऑल अदर ऑप्शन आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस एज फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी मेंबर ऑफ लोअर हाउस का मेंबर होना चाहिए. ऑल सेक्शन ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. बोथ प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट एडमिटेड ऑफिस सिमल्टेनियसली बिफोर द एंड ऑफ टेन्योर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ द पार्लियामेंट विल बी ऑफिशिएटेड एज ए प्रेजिडेंट. सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोल कॉलेज ऑफ प्रेजिडेंट बट नॉट द फोरम फॉर हिज इम्पीचमेंट. सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 54, इलेक्ट्रोल कॉलेज ऑफ प्रेजिडेंट इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अंडर आर्टिकल 61 मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डू नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. सो हेयर इज द डी ऑप्शन कि चुनाव में तो पार्ट लेते हैं प्रेसिडेंट के, लेकिन इम्पीचमेंट के टाइम में जो लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्ट नहीं लेती है. So moving to question number 9, which one of the following statement about the duties of prime minister is correct? कौन सी correct है? Has full discrimination in the choice of person who are to serve as a ministers in his cabinet. उसके बाद full choice होती है. Next question, which one of the following was not proposed by the 73rd constitutional amendment in the area of panchayati raj? That the panchayati raj functionary will be disqualified to hold their office if they have more than 2 children. ये mention proposed नहीं था in the 73rd constitutional amendment में, but norm is applied in state like Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Odisha and Andhra Pradesh by their state legislature assembly. Question 11, if the prime minister of India belongs to the upper house of parliament, then what should he have to do? He will be able to vote in his favor. He will not be able to vote in his favor in the event of a non-confidential motion. Question number 12, we have given assertion and reasoning. Reservation of 33% of seats for women in parliament and state legislature do not require any constitutional amendment, and reasoning is that political parties conducting election can allocate 33% of seats they can contest to women candidate without any constitutional amendment. So here the assertion is wrong, as reservation for women in parliament and state legislature would require a constitutional amendment. Yes, they required a constitutional amendment. Yeah, likha hai do not required. They required the constitutional amendment. That's why the assertion becomes wrong, and the reasoning would be right. So D is the right answer. In question number 13, in the presidential election in India, every elected member of the legislative assembly of state shall have a many votes
as they are multiple of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of state by the total number of elected member of the assembly. At present, in year 1997, the expression population here means the population as asserted by. ये इस कॉन्टेक्स्ट में इन द 1997 में पूछा गया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम कहेंगे बी इज द 1981 का जो सेंसेक्स था वो अकाउंट में लिया जा रहा था। यदि आप पूछेंगे तो बोलेंगे 2001 के सेंसेक्स को हम एज एक्सप्रेशन ऑफ पॉपुलेशन यूज करेंगे। एंड मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या स्टेट किया गया है कि द प्रेजिडेंट शेल नॉट बी मेम्बर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यस, द पार्लियामेंट शेल कंजिस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट एंड द टू हाउसेज। यस, पार्लियामेंट का मीनिंग यही है कि प्रेजिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। देयरफॉर बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एंड इन क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव टू मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में फंक्शनरीज दी हुई हैं, इन लिस्ट टू वी हैव ओथ और अफर्मेशंस। So, what is the correct answer to this? The option C is the correct, and sorry, option C is correct. President of India must have faith and allegiance to the Constitution of India, and for judges of Supreme Court, they upholds the Constitution and the law, and for member of Parliament, they have faithful discharge of their duties, and for the minister for the union secrecy of, they have to maintain the secrecy of information. In question number 16 we have the preamble, we the people of India. So in our constitution, assembly x do hereby adopt, enact and give the our constitution, ourselves this constitution. Here x stand for what? We all know that here X stands for November 26, 1949. B, and Constitution was commence कब हुआ था? January 26 in the year 1950. And question number 17, which of the following schedule of the Constitution of India contain provision regarding the Anti Defection Act? दल बदल के लिए कौन सा schedule था? That is schedule 10th schedule. Next question, the Constitution of India recognize religious and linguistic minorities under the article 29 and 30. Religious and linguistic minorities. And question number 19, an amendment to the Constitution of India can be initiated by, किसके द्वारा initiated हो सकता है? सिर्फ राज्यसभा या लोकसभा के द्वारा। So option D is the correct. Moving to next question, consider the following statement about the recent amendment to the election laws by the Representation of People's Amendment Act 1996. इनके बारे में कौन सा सही है? तो only the statement 1, 2, 4 are correct. Any convention for the offense of insulting the Indian flag or the Constitution of India shall entitle disqualification for contesting election to Parliament and state legislature for 6 years from the date of convention. And the second one, there is an increase in the security deposit which a candidate has to make to contest the election to Lok Sabha. Or ye chautha wala, no election will now be countermanded on the death of a contesting candidate. अगर कोई आदमी contesting आदमी death हो जाता है तो countermanded नहीं कर रहे हैं अपन। And in third क्यों wrong है? Statement third is incorrect because as a candidate shall not be allowed to contest for more than two constituency, दो से ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे इस बार मोदी जी ने दो जगह से लड़ा, सिर्फ दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन दो से ज़्यादा नहीं लड़ सकते। एंड इन क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए मनी बिल इज नॉट करेक्ट। मनी बिल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? दैट इज
ए मनी बिल कैन नॉट बी टेबल्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. मनी बिल कैन बी टेबल्ड और इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा बट नॉट इन राज्यसभा. दैट्स टू विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजिडेंट. ये इसकी कंडीशन है. इन क्वेश्चन नंबर 22 द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 रेफर्स टू व्हाट. इट रेफर्स टू लेइंग द फाउंडेशन फॉर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री. जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज एडेड टू 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट 9th विच प्रोवाइड्स द पंचायती राज सिस्टम. एंड इन क्वेश्चन नंबर 23 द स्पीकर कैन आस्क ए मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अदर मेंबर्स स्पीक. दिस फिनोमिनन इज नोन एज व्हाट इज कॉल्ड एज हिल्डिंग द फ्लोर. क्वेश्चन नंबर 24 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट. कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. ओनली वन एंड टू. ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड फॉर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इन क्वेश्चन नंबर 25 द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. यही फाइनेंस कमीशन का प्राइमरी फंक्शन होता है. एंड क्वेश्चन नंबर 26 विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल बी एंड्योर ऑफ एवरी स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन. कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल कहता है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है या प्राथमिक शिक्षा है वो हमें अपनी उनकी मातृभाषा या मदर टंग लैंग्वेज में देनी है. दैट इज गिवन इन आर्टिकल 350A. एंड दिस सॉरी 358 एंड दिस वार इंसर्टेड बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1956 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म्ड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. कौन सी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की जाती है. सिर्फ ये टू कंट्रोल रिसिप्ट एंड इश्यूज ऑफ पब्लिक मनी टू एंश्योर दैट द पब्लिक रेवेन्यू इज लॉग्ड इन द एक्सचेकर. जो कंट्रोल ऑफ रिसिप्ट और इशू है वो तो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है ना. ये कैग थोड़ी करेगी. ये तो सिर्फ इसका काम तो सिर्फ ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग का काम है. सिर्फ कंट्रोलिंग का काम तो लोकसभा के मेंबर डिसाइड करेंगे. इन क्वेश्चन नंबर 28 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. 4th शेड्यूल कौन डिस्क्राइब करता है. द 4th शेड्यूल अलोकेट द सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट इज दैट राज्यसभा. डी. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29 वी हैव मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 और इनको अपने को मैच करना है. इन लिस्ट 1 वी हैव अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इनको मैच करना है. सो हेयर राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए दैट द कॉन्स्टिट्यूशन 69 अमेंडमेंट एक्ट किसके रिगार्डिंग. दैट इज रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी टू दिल्ली. एंड 75th अमेंडमेंट था वो किसके रिगार्डिंग था. टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट लेवल रेंट ट्रिब्यूनल. और फिर द 18th जो अमेंडमेंट था दैट इज रिगार्डिंग टू एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन. और फिर 83rd अमेंडमेंट था दैट इज रिगार्डिंग नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन पंचायती राज इन आंध्र प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 30 इफ ए न्यू स्टेट ऑफ इंडिया ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी एम्बेडेड. कौन सा शेड्यूल एम्बेड करना पड़ेगा. नया कोई स्टेट बन रहा है तो फर्स्ट अरे सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन 31st वी हैव आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिस्ट कंटेंट के हमको मैच करना है. तो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज
given in option A, that is article 54 is related to the election of president, and article 75 is related to the appointment of prime minister, and article 155 is related to appointment of governor of states, and article 164 is related to the appointment of chief minister and council of minister of state. And next question 32, with reference to Indian polity, which one of the following statement is correct? Indian कौन से statement correct है? That planning commission is accountable to the parliament? No, वो parliament को थोड़ी response करती है. President can make ordinance only when either of the two houses of the parliament is not in session. Yes. B is correct. Moving to 33rd, minimum age जो बताई गई C वाला option इसलिए गलत है कि minimum age prescribed for appointment of judge of ऐसे minimum age का वो criteria नहीं है. And फिर क्या है, National Development Constitution is constituted of Union Finance Minister and Chief Minister of all states. ना भैया ऐसा कुछ भी नहीं है. जो नेशनल डेवलपमेंट इज कंपोज ऑफ प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होता है और यूनियन मिनिस्टर एंड द सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स. क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर रिकंसिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज गिवन इन द 44th amendment, given by 44th amendment. And in question 34, the term of Lok Sabha can be extended by 1 year at a time during the proclamation of emergency. Question number 35, the 93rd constitution amendment deals with the free and compulsory education for all the children between the age of 6 to 14 years. Question number 36, we have given two lists. In list 1 we have the article of Indian constitution, in list 2 we have the provisions, so we have to match these. So correct answer to this question is given in option A, that article 16.2 is related to the no person can be discriminated against in the matter of public appointment on the ground of race, religion or caste. And in article 29.2, no citizen shall be denied admission into any educational institute maintained by the state or receiving state aids on ground of religion, race, caste, language or any of them. And article 31st, that is all minorities, whether based on religion or language, shall have to establish and administer educational institute for their choice. And article 31st is related to no person shall be deprived of his property save by the authority of law. Next question 37, the 9th schedule to the Indian constitution was added by, that is added by the first amendment. Next question 38, consider the following question, which one of the following are the correct? All the above statements are correct, that joint sitting of the two houses of parliament is sanctioned under the article 108, and first joint sitting of Lok Sabha Rajya Sabha held in the year 1961, or second joint sitting of the two houses of parliament was held to pass the Banking Service Commission. Question number 39, under which article of the Indian constitution did the president give his assent to the ordinance on electoral reform when it was sent back to him by the union cabinet without making any change, that is in article 123. President can issue ordinance under article 123. 123 के तहत वो ऑर्डिनेंस इशू करता है. क्वेश्चन नंबर 40, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द
President makes reference to the Supreme Court to seek the court's opinion on the constitutional validity of Election Commission's decision on dereferring the Gujarat Assembly elections. So, किस आर्टिकल के तहत उसके पास पावर है इसको? That is Article 143 given in option B, empowers the President to consult the Supreme Court. In question number 41, which of the following article of Indian Constitution provide that it shall be the duty of Union to protect every state against the external aggression and internal disturbance? That is in Article 355. Now we have list 1 with the list 2. In the list 1 items of Constitution, we have to from which country they are derived. So फोर्टी टू का राइट आंसर इज ये जो डी है, तो मैं थोड़ा सा रिवीज कर देता हूँ. जो डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, दैट आज ड्राइव्ड फ्रॉम द आयरलैंड, दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द आयरलैंड. एंड फंडामेंटल राइट्स आर ड्राइव फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दैट इज द फिफ्थ ऑप्शन. कॉन्कुरेंट लिस्ट आर ड्राइव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. एंड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विद ग्रेटर पावर टू द यूनियन, दैट इज ड्राइव फ्रॉम द कैनेडा. सो वी हैव इन दिस वे वी कैन मैच द लिस्ट. नाउ 43rd question, which of the following bill must be passed by each house of Indian parliament parliament separately by special majority? Kis bill ko pass karenge? So that is constitutional amendment bill. Agar koi constitutional amendment bill hai, then it must be passed by the special majority. Ordinance bill to simply simple majority se pass ho jata hai, to aise galat ho gaya. और जो मनी बिल था वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता और राज्यसभा में इट दे हैव टू पास इट, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते. फाइनेंस बिल था, दोनों बिल में कोई पास करवाना ही नहीं, अगर राज्यसभा रिजेक्ट कर देता है तो बिल वैसे ही लैप्स हो जाता है. एंड 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर रिलेटेड टू रेजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट, कौन सा है? दैट इज गिवन इन द 7th एंड 31st अमेंडमेंट. विच वन 7th और 31st अमेंडमेंट में अपन ने क्या किया था? इन 7th अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स द कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, और फिर हमने 31st अमेंडमेंट में भी हाउस ऑफ पीपल की जो संख्या थी वो 500 से 525 कर दी थी. दैट्स व्हाई दीज आर इम्पोर्टेंट. और इसी के साथ इसी 31st अमेंडमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज थी उनकी 25 से घटा के 20 कर दी थी. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफाई देयर टेरिटरीज, दैट इज फर्स्ट शेड्यूल गिवन इन फर्स्ट शेड्यूल. And question number 46, which one of the following statement correctly describe the fourth schedule of the Constitution of India, that is described in it, it allocates seats to Council of States. Question number 47, with reference to Indian Parliament, which one of the following is not correct, inmein se kaun si correct nahi hai? That is the appropriate bill must be passed by both the houses of Parliament before it can be enacted enacted into the law. ये गलत है. गलत क्यों है? क्यों appropriation bill होता है in, if it is in case of money bill then Rajya Sabha can only recommend it, the power so need not to be passed by the Rajya Sabha. ऐसा कोई जरूरी नहीं appropriation bill में bill है तो दोनों houses से pass हो.
क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट एग्जीक्यूशन पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल नॉट एक्सरसाइज एज नॉट टू इम्पीड और प्रिजर्व द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन दैट इज गिवन इन आर्टिकल 257. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 49, वी हैव द लिस्ट ऑफ द आर्टिकल एंड देयर कॉरस्पोंडिंग मैटर. So here the right answer is match in given in the option C. Article 14 is related to the state should not deny to any person equality before the law or equal protection of law within the territory of India. And Article 15 states that the state shall not discriminate against any citizen on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of the term. And Article 16 states that untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. So Article 16 is there shall be equality of opportunity to for all citizens. And Article 17 is related to untouchability. Moving to question number 15, which article of Constitution of India says no children below the age of 14 years shall employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment that is given in the Article 24. Moving to question number 51, consider the following statements. Which of the following statements are correct? So in this one statement, only the statement one is correct. That is part 9 of the Constitution. Provision for the Panchayati Raj and was inserted by the Constitution Act 1992. Or फिर ये दूसरा गलत क्यों है? The part 9A of the Constitution contained provision of municipalities and Article 243 envisages two types of municipalities, municipal council and corporation for every state. ये नहीं था. जो Article 243Q है envision three type of municipalities. वो कौन कौन सी थी? नगर पंचायत फॉर ट्रांजिशनल एरिया, म्यूनसिपल काउंसिल फॉर स्मॉल अर्बन एरिया एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फॉर लार्ज अर्बन एरिया. तो तीन टाइप की म्यूनसिपलिटीज थी, जो नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये तीन थी. क्वेश्चन नंबर 52, कंसीडर द फॉलोइंग आर्टिकल विच ऑफ द अबव आर करेक्ट. तो इनमें से करेक्ट कौन सा है? Only the option one is the correct. कि Article 37 और 31 were inserted in the Constitution to meet regional demand of Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh and Goa. और 2 and 3 are wrong. इसलिए the Constitution of India envision a single citizenship. Dual citizenship नहीं देती. Constitution of India provides single citizenship. और third wrong इसलिए है कि a naturalized citizen of India can never be deprived of this. It can be deprived of the citizenship if they are acquired citizenship by mean of fraud. Fraud ke means liya hai, to deprived bhi kiya ja sakta hai unko citizenship se. So here is only option one is correct. 53rd, in the Constitution, 98th Amendment Act is related to. It is related to the Constitution of National Judicial Commission. जो 98th Amendment था वो Judicial Commission से related था. Question number 54, consider the following statement. Following statement को consider करो. और which of the following is or are true? तो only the third वाला जो statement है वो true है, बाकी दो नो गलत हैं. गलत क्यों है? The Constitution of India is 40 part. 40 part नहीं है वैसा, 24 parts ही हैं सिर्फ और 12 schedules हैं and more than 444 articles हैं. 390 articles नहीं है, 444 articles हैं. So that's why these are wrong. और जो third option है वो सही है कि 9th and 11th schedules are added to the constitution by the constitutional amendment act. Now question number 55, what does 104th constitutional amendment bill related to? 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किससे रिलेटेड था? दिस बिल इज रिलेटेड टू द प्रोवाइडिंग कोटा टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन प्राइवेट
and educational institutes. Question number 56. Which one of the following commission was set up in pursuance of a definite provision under an article of the Indian Constitution? So, कौन सी commission fix किया गया था? That is election commission. Election commission under the article 324. Question number 57. Which of the following constitutional amendment act seek the size of council of minister at the center and state not exceed 15% of the total population of member of the Lok Sabha and total member of legislative assembly of that state respectively? कौन सा amendment कहता है? That is given in 91st amendment. और 91st जो अमेंडमेंट है वो क्या कहता है कि जो स्टेट की टोटल नंबर ऑफ मेंबर लोकसभा 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो टोटल नंबर ऑफ 15 साइज ऑफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. एंड क्वेश्चन नंबर 58. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन DPSP directive principle of the state policy? कौन कौन से DPSP में included हैं? तो DPSP में इसमें जो given है सिर्फ टू, जो option टू में हुई the prohibition of consumption except the medicinal purpose of intoxication drinks and of the other drugs which are injurious to health. और ये जो prohibition of traffic in human beings forced labor ये गिवन नहीं है, क्योंकि ये तो अपने को फंडामेंटल राइट्स में दिया हो गया है, तो ये डीएसपी में जरूरत ही नहीं आने की. फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 23 पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन है. क्वेश्चन नंबर 59. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया इन सेवरल एरियाज? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? दैट इज 5th. Question number 16. Under which one of the following constitutional amendment act 4 languages were added to the list under the 8th schedule of the constitution of India, thereby raising their number to 22? Kaun sa amendment aaya tha? That is 92 amendment act, that is related to adding 4 language to 8th schedule of the constitution. और अब उनका नंबर 22 हो गया है. तो जो 5th जो शेड्यूल आया था दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेजेस टू कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया इन द स्टेट अदर देन सॉरी जो 92 अमेंडमेंट एक्ट आया था उससे क्या आई थी जो जो लैंग्वेजेस थी बोडो, संथाली, मैथाली और डोंगरी वो 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गई. और इस हिसाब से पहले 14 थी और 21वें अमेंडमेंट में अपन ने सिंधी लैंग्वेज को ऐड कर दिया और 71st अमेंडमेंट में अपन ने कोंकणी, मणिपुर और नेपाली ऐड की थी. इस हिसाब से 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं. क्वेश्चन नंबर 61. विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? दैट इनमें से दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. क्यों नहीं है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ऑल कैबिनेट शैल बी कंपल्सरी बी सिटिंग मेंबर ऑफ लोकसभा. बिल्कुल नहीं कि कैबिनेट का मेंबर हो सकता है वो राज्यसभा भी हो सकता है, इसलिए गलत है. और दूसरा क्यों गलत है? द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स. दूसरा इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी इज अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ प्राइम मिनिस्टर. जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है डायरेक्ट चार्ज अंडर द प्राइम मिनिस्टर में होता है, ना कि ये डायरेक्शन ऑफ मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर में. इन क्वेश्चन नंबर 62. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ द पीपल? कौन सा अमेंडमेंट में कहा गया था? ये अपन ने पहले भी पढ़ लिया था. दैट इज गिवन इन द अमेंडमेंट 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट.
कि 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, कि और अब बताओ कि विच ऑफ द अबव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज फुलफिल्ड बाय द नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन कौन से ये ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते हैं? तो तीसरा जो डीएसपी का, वो डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स ही इस स्कीम से फुलफिल करते हैं। और जो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम जो था, तो रिक्वायरमेंट जो राइट टू वर्क है उसको फुलफिल करता है। क्वेश्चन नंबर 64, 64 क्वेश्चन क्या कहता है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? कि राइट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। बाकी सारे के सारे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है। बाकी जो भी गिवन है, हमको अपने साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, सेफ गार्ड ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी टू अबेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स डील। क्वेश्चन नंबर 65, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्ट डीएसपी एज एनश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन कौन से इनमें को एंश्योर करते हैं? दैट इज बी 2 एंड 3 ओनली। और वो कौन से हैं? डीपीएसपी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत विलेज को ऑर्गेनाइज करना, और एंड प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज आर द गांधीयन प्रिंसिपल दैट रिफ्लेक्ट्स इन द डीपीएसपी। सो 2 एंड 3 आर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर हैज बीन कंफर्म ऑन द राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सी पावर है? टू पास ए रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉ इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। ये वाली जो पावर है ये राज्यसभा को दी गई है। एंड क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ए बियरिंग ऑन एजुकेशन। कौन कौन से बियर करते हैं? दैट इज डायरेक्ट डीएसपी एंड रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। एजुकेशन है ना वहाँ पे, अर्बन बॉडीज में कि 8वीं तक होनी चाहिए एंड 7th शेड्यूल। डीएसपी में कहता है कि फंडामेंटल जो एजुकेशन है, 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुफ्त में दी जानी चाहिए। और लोकल बॉडी का चुनाव लड़ने के लिए जैसे कुछ स्टेट एजुकेशन का बैरियर लगा सकते हैं, और 7th शेड्यूल तो है ही। एंड क्वेश्चन नंबर 68, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉल्स टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। दैट इज गिवन इन 1, 3 एंड 4, द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन एंड द रिपोर्ट ऑफ कैग एंड द रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कौन कौन सी ड्यूटी है प्रेसिडेंट को ले की गई है, कि रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन बनाने की, उनकी रिकमेंडेशन के लिए कैग की रिपोर्ट सबमिट करनी, और रिपोर्ट ऑफ नेशनल शेड्यूल कास्ट। विच क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स लेड अंडर ले डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दैट आर टू प्रिजर्व, गिवन इन ऑप्शन सी 1, 3, 4, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर एंड टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन द ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी। ये जो टू है वो नहीं दिया, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस दैट इज नॉट गिवन इन द फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड क्वेश्चन 70,
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन किस कौन सी में दैट इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी. एंड क्वेश्चन नंबर 71, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. कौन कौन से गवर्नेंस ऑफ के लिए इम्पोर्टेंट है. दैट्स द डायरेक्टिव ऑफ स्टेट प्रिंसिपल. यही बताते हैं कि गुड गवर्नेंस क्या होती है. इन क्वेश्चन नंबर 72, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं. तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो रॉन्ग हैं. और रॉन्ग क्यों है. अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन द लोकसभा ओनली. नहीं, ऐसा नहीं है. उसको राज्यसभा में भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो. इसलिए ये गलत हो गया इसकी वजह से. एंड क्वेश्चन 2 क्या है. इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंज इन द फेडरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अमेंडमेंट आल्सो रिक्वायर्ड टू बी रेक्टिफाई बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया. और ये गलत क्यों है. क्यों द अमेंडमेंट मस्ट बी रेक्टिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट वन हाफ ऑफ द स्टेट. सारे स्टेट्स जरूरी नहीं है, सिर्फ वन हाफ से काम चल जाएगा. नॉट ऑल द स्टेट. दैट्स वाई ये इसलिए गलत हो गया. सारे स्टेट से नहीं, ओनली वन हाफ. जैसे GST है, सारे स्टेट से उनको पास कराने की जरूरत नहीं है. वी हैव टू पास बाय द वन हाफ ऑफ द स्टेट टू मेक GST अप्लीकेबल टू ऑल ओवर द इंडिया. क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी डज नॉट और डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कौन सी बॉडी फाइंड नहीं होती है. दैट इज ऑल दीज बॉडीज आर नॉट फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड NDC प्लानिंग कमीशन की जगह तो अब क्या आ गया. नीति आयोग. क्वेश्चन नंबर 74, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और कौन से ट्रू हैं. सो ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 and 3 और ओनली द करेक्ट कि इकोनॉमिक दूसरा जो स्टेटमेंट वो इकोनॉमिक प्लानिंग इज कैप्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट में है. क्योंकि स्टेट भी बनाता है अपनी इकोनॉमी लिस्ट और सोशल प्लानिंग. और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब दैट पंचायत शुड बी असाइन द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस. बिल्कुल. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है. ये वाला क्यों गलत है. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज ऑर्गन ऑफ प्लानिंग कमीशन. बिल्कुल नहीं है, दोनों ही अलग बॉडीज थी. 75th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन. तो दैट इज गिवन इन द 10th शेड्यूल. इसको अपन ने पहले भी कवर किया था. क्वेश्चन नंबर 76, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनल स्पेस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन द. किसके अंदर इंक्लूडेड है वो इंटरनल स्पेस और सिक्योरिटी. दैट इज इंक्लूडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. इन क्वेश्चन नंबर 77, द प्रोविजन ऑफ 5th and 6th शेड्यूल आर मेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब. क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टेडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 79, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो कौन से इनमें से दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं. फॉल्स क्यों हैं. लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया कैन लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. बिल्कुल नहीं. गलत ये इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ हो सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की इज फिक्स टू 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली की 1/3 ही हो सकती है काउंसिल. और दूसरा फॉल्स क्यों है. और दूसरा, द गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनी एंड चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. कि जो गवर्नर है वो नॉमिनी करता है चेयरमैन को. और नहीं, द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज इलेक्टेड बाय द काउंसिल इटसेल्फ अमंग इट्स मेंबर. जो चेयरमैन होता है वो
उन्हीं में से चुना जाता है, ना कि गवर्नर उनको नॉमिनेट करता है। ये इसलिए गलत है। इट इज नॉट हाफ, इट इज 1/4, मैक्सिमम स्ट्रेंथ सॉरी 1/3 हो सकती है, और मिनिमम जो है वो मिनिमम स्ट्रेंथ अपन ने फिक्स कर रखी है 40 की। क्वेश्चन नंबर 80, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज ए प्रोविजन मेड इन द दैट इज प्रोविजन मेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज। ये सारे प्रोविजन अपन ने फंडामेंटल ड्यूटीज में है कि वी विल अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 81, द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एंसर्ड इन इट्स, किसमें दिया गया आइडियल स्टेट का, दैट इज गिवन इन DPSP। क्वेश्चन नंबर 82, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द DPSP, और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ओनली बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, एंड यस द प्रोविजन कंटेन्स इन दिस दीज प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सिबल इन एनी कोर्ट, कि किसी ये इसके DPSP में जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो किसी भी कोर्ट में आप उसको उस पर मुकदमा नहीं कर सकते। सो ऑल दीज आर क्वेश्चंस इन कॉन्स्टिट्यूशन आस्क्ड बाय UPSC फ्रॉम ईयर 1995 टू 2016। सो इफ यू लाइक माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू इट, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द इंडियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू वेरी मच।